Hey, what up YouTube? Hope you're all doing well. So welcome back to my YouTube channel. Right now, आज है Saturday and Saturday को भाई सारे यार दोस्त हम इकट्ठे हो गए हैं हमारे फ्लैट में. So ये हैं भाई हमारे आरजे भाई. मेरा नाम पूरा अभिषेक पामड़ा है. भाई ज्वाली से हैं. ज्वाली से हैं. और रोगन भाई के खास दोस्त हैं. इनको आपने ब्लॉग में भी देख रखा होगा, पिछला जो संडे राइड वाला ब्लॉग था हमारा. सो इनके पास रॉयल एनफील्ड की बाइक है, रॉयल एनफील्ड मेटियोर. सो आज उसी का रिव्यू देंगे हम एंड वो बाइक चलाएंगे भाई, मेरी केटीएम वगैरह चलाएंगे एंड शॉर्ट राइड के लिए जाएंगे. रिव्यू वगैरह देखेंगे कैसी है बाइक कैसी नहीं है. जो लास्ट वीडियो को टॉप 3 कमेंट्स थे वो मैं अभी बोल देता हूं अपनी वीडियो में. तो भाई जो लास्ट वीडियो को टॉप 3 कमेंट्स थे उनका नाम है, जो फर्स्ट है जो उनका नाम है अक्षित राणा एंड जो सेकंड है उनका नाम है चौधरी साहिल एंड जो थर्ड है उनका नाम है साजन चौधरी एंड जिसने सबसे ज्यादा कमेंट किए हैं वो है सूर्य चौधरी एंड जो सेकंड है उनका नाम है अंश. भाई ये देखो चैंग भाई हमारे सुबह से साफ सफाई में कर रहे हैं, पूरी सुबह सुबह उठ के पूरे बर्तन वगैरह धो दिए हैं चैंग भाई ने एंड साफ सफाई देखो मैंने पूरी कर रखी है, पूरी फ्लैट की पूरा साफ चिकना एकदम फ्लैट कर दिया हुआ है हमने एंड ये कुछ मेरा रूम है. तो थोड़े यार बैग वगैरह रखने के इशू वगैरह हो रही है एंड एक बैल्कनी है हमारी. तो ये खड़ी आरजे भाई की बाइक येलो वाली एंड वो है मेरी बाइक सोनिक. एक बैल्कनी वो भी है, दुबई दिखाते हैं हम. आरजे भाई आए थे हमारे तो बोलते भाई आप कहते यहाँ पे दुबई दिख रहा है पूरा, स्पेशल बालकनी देखने के लिए आया था मैं. तो ये बैल्कनी हमारी पीछे वाली. तो ये देखो भाई पूरा दुबई दिखता है यहाँ से, पूरा दुबई है भाई ये पूरा का पूरा. कैसा लगा भाई हमारा भाई? पहले मैं इधर से आ रहा था और मेरे को लगा भाई रोबिन भाई ने कहाँ रख ले लिया फ्लैट, गलत हो गया वैसे थोड़ा, फिर वहां से घूम के आया मैं थोड़ा. अच्छा वैसे मेन सड़क ये वाली हमारी जो आती है हमारे फ्लैट को. सो यार जो भाई इस वाली सड़क से आगे थे पीछे पीछे से. इतनी यूनिटी है ना, सारे इतने बड़े गाँव है, ये गाँव समझ ले सब आगे यहीं नहाते हैं, यही कपड़े धो रहे देखो. हाँ ये बनाया उन्होंने, खूब लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं. ये तो ही तारे लगा के रखे कि इधर जंप करके इधर ना आ जाए ना भाई. हमारे को इतने एंटरटेनमेंट है ना यहाँ पे, मतलब जब भी बोर हो रहे ना रात को 8 बजे यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, लड़ रहे होते हो दारू दूर पी के. सो भाई निकलते हैं आरजे भाई की बाइक वगैरह, थोड़ा आपको रिव्यू वगैरह कराते हैं. मेरी केटीएम की चाबी लो सर, चलाओ आप केटीएम एंड दो अपना रॉयल एनफील्ड का कीज. रॉयल की कीज वैसे बहुत प्यारी है यार. भाई ये लगे हैं हमारे दो जहाज. सो ये है भाई रॉयल एनफील्ड. रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में ना पहली बार देखा होगा मैंने, फ्यूल मीटर भी है इसमें, एयर मीटर भी है एंड ये देखो भाई इसका ऑन ऑफ का स्विच कितना सेक्सी है, ऐसे करोगे तो स्टार्ट होगी. साफ सुथरी देखो भाई ने कितनी रखी हुई है, शाबाश शाबाश. वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मैन विल बी मैन. तो भाई इस बाइक को चलाने वाला बंदा जब उस बाइक में बैठता है ना तो वो फील करता है कि ये क्या चीज है भाई, क्या चीज होगी ये, क्योंकि बंदा ना एकदम हार्ड पोस्चर में बैठा होता है, उसकी सीट भी हार्ड है, पोस्चर भी अलग टाइप का. फीलिंग देखो एक बार इस बाइक की यार, ऐसा लग रहा है भाई मैं लद्दाख चल जाऊँ इस बाइक को लेके, क्या ही सेक्सी है. और भाग भी फुल पावर रही है ये एंड 350cc की आई थिंक ये. तो भाई हैंडलिंग भी बहुत प्यारी है इस बाइक की एंड टू बी ऑनेस्ट भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ये बाइक. ऐसा मेरे को फील नहीं हो रहा कि मैं मतलब अंडर पावर बाइक चला रहा हूँ कोई, मैं थ्रॉटल देना है तो देखो भाग रही है ये. ये देखो 100 की स्पीड टच करवा दिया इस बाइक में एंड मेरे को फील नहीं हो रहा, और वो भी स्टेबल. भाई मैंने क्लासिक 350 चलाई थी, 100 की स्पीड में मैंने टच कराया, उसका हैंडल जो होता है ना वो ऐसा लग रहा था जैसे वाइब्रेटर भाई, हां बोलो धड़ 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 धड़, मतलब इसमें 100 की स्पीड में फील नहीं हो रहा भाई कि हैंडल हिल रहा है, बाइक हिल रही है, कुछ जर्क दे रही है. रॉयल बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई अपने बाइक्स के साथ. मैं वैसे डाई हार्ड फैन नहीं उनका फैन, मेरे को रॉयल की बाइक्स पसंद नहीं है एक्सेप्ट हिमालयन, बट मैंने जब इसको चलाया एंड इस बाइक की जो वाइब है एंड जो फील है मेरे को हार्ले का फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं हार्ले चला रहा हूं. बंद हो गई साले, 2 मिनट नहीं रुकते हैं आगे लोग. सारजे भाई को प्रॉब्लम हो रही है, वो रो बाइक है थोड़ी भाई, उसको पूरा थ्रोटल हैंड क्लच का पूरा एकदम ताल मिल चाहिए होता है एंड मैंने जो क्लच है वो भी अपना एडजस्ट करके रखा हुआ व्हीली वगैरह मारने के लिए. भाई तो कैमरे में लगे हो, इंस्टाग्राम के लिए बना लेते हैं भाई एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे, मेरे को जिन जिन ने फॉलो किया है तो वो मेरे को फॉलो करो. शिट दबाए रखो उसको, दोनों की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी भाई, मेरे को इसमें प्रॉब्लम आ रही है स्टार्ट करने में, क्योंकि इसका स्विच देखो यार कैसा टाइप का स्विच है भाई, मत लगाना जोर से ब्रेक फिसल जाएगा ये. क्या बोल रहे हो भाई? अरे कैसे आप इतनी दूर चले जाते हो, मेरे तो 2 किलोमीटर में हाथ. भाई पता लगा मेरे को कैसे चलाता हूँ इसको भाई, तो मतलब फीलिंग समझ रहे हो अंदर वाली. भाई आप रॉयल वाले बंदे हो यार, आपको कहाँ आरसी चचेगी. तो नई केटीएम आ रही है ना वो ऐसी ऐसी हैं यार, जैसे ये रॉयल है ना सब कुछ स्मूथ है उसका, इतना प्ले नहीं करना पड़ता. ओफ
अगर ऐसे कंफर्ट की अगर आपको आदत पड़ गई ना तो आप वो वाला कंफर्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे आरसी वाला, वो एक जुनून वाला कंफर्ट है यार। कंफर्ट वगैरह जो है ना उसमें बाइक में नहीं है। जब आप उस बाइक को भगाओगे 160 की स्पीड में जाओगे तो वो आप जो आपका कंफर्ट जोन है ना वो खुद भूल जाएगा उस टाइम पे। तुम्हें बस एक चीज आएगी जो कि मिलता आपको रश, एड्रेनल, क्रेजीनेस, वो गूज़बम्प्स, उस चीज का मजा अलग है कंफर्ट से। बट एक कंफर्टेबल बाइक भी चाहिए हमें इन फ्यूचर, हम एक कंफर्टेबल बाइक लेंगे। ऐसी ऐसी रिएक्शन देखो भाई लड़कियों के, इसका टायर इतना आगे है ना भाई, रिएक्शन नोट करो। हेलो भाई आप देखना कैसे खिचड़ी मचेगी इधर। ये देखो भाई इन दो ऑटो के बीच में उतना भी मैं सैंडविच हो गया था। आरजे भाई तो निकल गए आरसी लेके, आरसी की पूरी फील ले रहे हैं वो। 390 का इंजन सबको पसंद आता है भाई, फील कर लिया ना भाई, जिसने सूंघ लिया ना वो इंजन उसके दिमाग से तो जाता ही नहीं है भाई। रूम में हम वापस आ चुके हैं, आते ही आरजे भाई देखो, आरजे भाई लग चुके हैं अपने काम पे, टमाटर प्याज वगैरह काट रहे हैं खाने बनाने के लिए। चाकू देखो ना, चाकू भी तोड़ दिया भाई हमारे। चैन भाई मैश वगैरह कर रहे हैं, प्याज वगैरह को क्या बना रहे भाई, ओली ओली दाल ये बढ़िया भाई। ये गाना सुन रहा था मैं, मेरा तो भाई काम होता है एंजॉय करने का, खाना पीना सोना आराम से मेरे को, ठीक है काम अपने भाई लोग कर देते हैं। ऐसे हीरे यार मिले मेरे को, मेरा काम है गाने लगाने का। एक गाना मेरे को बहुत प्यारा लगा यार इंस्टाग्राम पे, तुमने सुना होगा। सो आरजे भाई को लगाते हैं बैकग्राउंड में इस म्यूजिक के साथ। देखिए अब यो गाइस, खाना पिया बनाना नहीं बस, ना खाना बनाया ना प्याज टमाटर काटे, लास्ट में एक ड्यूटी दी बर्तन साफ करना, वो मैं कर रहा हूँ। निकलते हैं कहीं घूमने फिरने। तो यार खाना खा के सारे के सारे मस्त अपने अपने बैठे हैं। सो अभी शाम का टाइम हो रखा है यार, 4:30 बज रखे होंगे इस टाइम। एंड वाह यार चैंग भाई ने अपने पूरे कपड़े कुपड़े धो गए लटका दिए भाई यहाँ पे। सो भाई सोनिक को हमने यही खड़े कर दिया क्योंकि यार सोनिक को चलाने में ना बहुत डिफिकल्टी होती है ट्रैफिक वगैरह में। आज तो वैसे भी सैटरडे है और सैटरडे को बहुत क्राउड होता है भाई। चले पाब्लो एस्कोबार कुछ नहीं करने आए हम, बस टाइम पास करने आए भाई यहाँ पे। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है साला, ऐसे बर्बाद कर दिया, किसी गरीब को दे देते। ये है कि जैसे बारिश बुरिश होती है ना उसका पानी स्टोर करेंगे यहाँ पे। गाइस पहुंच गए हम पाब्लो एस्कोबार। क्या बोलते हैं आरजे भाई कैसा लगा पाब्लो एस्कोबार? है क्या गवर्नमेंट के पास अंधा पैसा? क्या बहुत अंधा पैसा भाई, क्या बनाया है ना सर सर है ना पैर भाई। पाब्लो एस्कोबार का बंगला है, लग रहा शोक वाटी का नहीं थी सेम बर्बाद हो जाओगी। देखा भी क्या क्या देखा हमने, ऐसा देखा जो फिर हम कहीं और ही देखते हैं। तो भाई ये जगह बहुत खतरनाक है, इतने ज्यादा कपल्स थे यहाँ पे और ऐसी ऐसी जगह में बैठे हुए थे ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। इससे व्हील उठा के देख रहे हैं। ओ भाई ओ वाह यार, एक्चुअल में अभी आप सीधे यहाँ से रूम को निकल रहे हैं हम एंड रात का प्रोग्राम वगैरह देखते हैं अब रात का क्या सीन है, क्या बनाते हैं खाने वगैरह में। और डिसाइड तो यही है हम चार ही आज, चारों के चारों कुछ ना कुछ बनाएंगे रूम पे भाई खाने पीने के लिए। एंड उसके बाद तो तुम्हें पता ही है लोंडो की पार्टी कैसी होती है, तो वो तो हम ब्लॉग में नहीं दिखा पाएंगे। आज का सैटरडे का हमने ब्लॉग ऐसा कुछ बनाया है। स्कूटी तेरी फुल पावर भाग रही है तो हम एक दिन पहले पहुंच जाएंगे इधर से और घर भी जा सकते हैं इसमें, मेरे एक दिन पहले पहुंच जाएंगे पर हम तेरे से। तो भाई इस स्कूटी की मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, आपको पता देती है कि तुम इकोनॉमी में चलिए हो या फिर ज्यादा रेस चल रहे हो, तो ये ज्यादा पेट्रोल खाएगी। अब देखो ये ग्रीन ब्लिंक दे रही है तो डेट मीन्स यू आर इन इकोनॉमी। अब ये देखो रेड साइन दे दिया ना इसने, डेट मीन्स शी इज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ फ्यूल। तो भाई आज भाई हमारे फिर से लग पड़े हैं प्याज टमाटर काटने के लिए फिर छुरी ने तोड़ दी है। तो अभी रात का डिनर वगैरह बना रहे हैं अभी हम लोग। मैं धो रहा हूं कपड़े भाई लोग, चंडीगढ़ आके पता लगता है भाई कपड़े धोने कितना टफ काम है यार। घर पे तो मम्मी वगैरह तो धोती थी, वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगी हुई थी भाई, यहां पे तो हाथ से धोने पड़ते हैं। शूज वगैरह भी धोए मैंने अभी, हट गए मैं पिछले एक घंटे से लगाऊं। तो चाहे भाई बड़ा चालू है यार, अपने कपड़े धोए इसने और मेरे कपड़े भी धोए, मेरे को खुद धोने पड़ रहे हैं भाई, बेसिक स्ट्रगल्स यार। बड़ी मुश्किल से कपड़े कपड़े धोए मैंने, अभी मैं फ्री हूं। एंड चैंग भाई एंड हमारे आरजे भाई लगे हैं खाना बनाने में, जो रात का खाना बनेगा जो कि है पार्टी के लिए।
तो ये देखो भाई पूरा हमने पेस्ट वगैरह तैयार कर दिया है एंड बन रहा है अभी सारा खाना। एनीवेज आज का ब्लॉग काफ़ी था, सो जल्दी जल्दी कमेंट किया करो एंड जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे वो भी मैं डाल दिया करूँगा, और जल्दी जल्दी कमेंट करो अपने दोस्त वगैरह के साथ शेयर करो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, सो यहीं पर मैं ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। दिस इज कैप्टन बाइक ट्रैवल साइनिंग ऑफ, सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज एंड विल कीप यू गाइस।